कुमार बिंदेश्वर सिंह, महासचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन और संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मंडल के सदस्य। आज ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है सर? आज बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में यह चरणबद्ध आंदोलन पिछले 14 फरवरी से ही चलाया जा रहा है। उसका यह चौथा चरण है। हम लोग 3 चरण का आंदोलन पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर चुकी है। सरकार को 3 महीना पहले हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की 20 सूत्री मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा हम यह चरणबद्ध आंदोलन में जाते हैं। अगर पहले पूरा कर देते हैं तो हम आंदोलन करना कोई ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन अगर सरकार हमें मांग पूरा नहीं करती तो निश्चित तौर पर हम आंदोलन करेंगे। और उसी के तहत आज यह विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन का जो काम था उसी कार्य को यह डाक बंगला जाम के का कार्यक्रम हुआ है। आप देख रहे हैं सवेरे 9 बजे से आंगनबाड़ी पूरे राज्य की सेविका सहायिका यहां पर जुटी है। उधर नेपाल का अररिया से लेकर करके और इधर जो है कैमूर, उधर भागलपुर, मतलब बंगाल बॉर्डर है, उधर नेपाल बॉर्डर है, उधर यूपी बॉर्डर है और सारे तरफ से सभी परियोजना से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यहां आई हैं और वो यह कह रही हैं कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम डाक बंगला से हटेंगे नहीं। सरकार लाठी चलाए, गोली चलाए या जो प्रशासनिक कार्रवाई करना है करे, हम लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम डाक बंगला से हटने वाले नहीं हैं। या अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आप कह रहे हैं कि आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा कि सरकार को बदल देंगे आने वाले विधानसभा चुनाव? हम अभी तो आंदोलन ही करेंगे, लेकिन सरकार बदलने के लिए पिछली बार भी हमारे संघर्ष समिति ने नारा दिया था कि झारखंड के तरह बिहार सरकार को भी बदलो। जो आंगनबाड़ी की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा, जो आंगनबाड़ी को मांग पूरा नहीं करेगा उसको आंगनबाड़ी गद्दी पर बैठने नहीं देगा। भारत सरकार का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भारत की बेटियां आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सड़कों पर है और हजारों की संख्या में सड़कों पर है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, ये तो नारा का इस्तेमाल करती है, लोगों को लुभावना नारा दे करके जनता को ठगने का काम करती है। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सूबे हिंदुस्तान में 100% कोई परियोजना जिसमें महिला काम करती है वो है आंगनबाड़ी। आज के डेट में तो आशा वर्कर भी है, मिड डे मील में भी अधिकांश महिलाएं हैं। और आज महिलाएं देश में जो खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का कानून है उसको जो बेज तय है उसके बेज के समान भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को मानदेय राशि नहीं दिया जाता, जो भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और यह उल्लंघन राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं, कुछ मांगे आप जो है चैनल के माध्यम से बताइए। हमारा पहला मांग है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविका को ग्रेड 3 और सहायिका को ग्रेड 4 के रूप में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं देती कम से कम 25,000 रुपया मानदेय राशि दिया जाए। इस तरह से सुपरवाइजर के प्रमोशन में एक ICDS ने गैर कानूनी, कानून सम्मत नहीं है, वो खुद अपने आप में उल्लंघन है। हम आपको बताना चाहते हैं पूरे दुनिया में किसी विभाग में किसी संस्था में ऐसा नियम नहीं है कि सीनियर को बैक कर दो और जूनियर को प्रमोशन दे दो। यह उदाहरण ICDS में है, हम लोगों ने हाई कोर्ट किया है और रोड पर भी हैं। हम सरकार से भी लड़ रहे हैं और सरकार के गलत नीति के विरोध में न्यायालय में भी लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए
यहाँ मांग है कि सुपरवाइजर के प्रमोशन में उम्र सीमा का जो बंदेश है उसको हटा दिया जाए और वरीयता के आधार पर प्रमोशन दिया जाए। सर, जिस तरह से आप लोगों का भी आंदोलन चल रहा है और जो आंदोलन के माध्यम से आप लोगों की मांगे हैं वो आप लोग मांगे अपनी जो है शांतिपूर्वक सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन एक बात और सरकार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है चल रही है, क्या कहेंगे बिहार सरकार किस तरह सतर्क है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बिहार सरकार, इनको बेवजह चयन रद्द किया जाता है आंगनबाड़ी सेविकाओं को, इसलिए वो सरकार तो ढकोसला कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इस वक्त आप लोगों ने देखा कि हम लोग बिहार पटना मौजूद हैं और ये आंदोलन जो यहाँ पर चारों तरफ चल रहा है, ये आंदोलन जो है सरकार तक पहुँचाया जा रहा है, ये लोग जो है प्रेस विज्ञप्ति भी दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर किया गया है इसका ज्ञापन भी यहाँ के जो है जिलाधिकारी जो है और मुख्यमंत्री के भेजा गया है। तो देखते रहिए निरंतर आप लोग VIP News Today। हम फिर मिलेंगे के सिद्धार्थ, धन्यवाद।